औरत का यह गुप्त अंग बनता है मर्द की बर्बादी का कारण। तो चलिए जानें कि औरत का वह गुप्त अंग कौन सा है जो मर्द को बर्बाद करने का कारण बनता है। तो चलिए जानें, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आपको पता ही है, चाणक्य जी बहुत बड़े नीतिकार थे। नीतिकार के साथ साथ वे बहुत बड़े ज्ञानी भी थे। उन्होंने बताया कि औरतों का यह गुप्त अंग अगर सही नहीं है, चरित्र की नहीं सही है, तो वे पति को और पूरे घर को बर्बाद कर देती हैं। सबसे पहले नंबर पर जिस औरत का स्तन यानी छाती लटकी हुई हो और बड़ी हो, ऐसी औरतें चरित्र की बहुत ही ज़्यादा बुरी मानी जाती हैं। अगर ऐसी औरतें चरित्र की ठीक भी होती हैं तब भी इन्हें गैर मर्द हवस की नज़र से देखते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे ऐसी औरतें चरित्रहीन बन जाती हैं। जिस औरत के कूल्हे यानी जिस औरत का पिछवाड़ा बड़ा और चौड़ा होता है, ऐसी औरतें बहुत ही ज़्यादा चरित्रहीन मानी जाती हैं। अगर यह औरतें चरित्रहीन नहीं होती फिर भी गैर मर्द इनकी तरफ इन्हें देखकर हवस की निगाह से देखते हैं, जिसकी वजह से ये लोग धीरे धीरे अपने आप ही चरित्रहीन बन जाती हैं। जब पति का सुख अच्छी तरीके से नहीं मिल पाता तब इन्हें लगता है कि गैर मर्द इन्हें खुश कर देंगे, इसकी वजह से ये चरित्रहीन बन जाती हैं। जिस स्त्री के नाभि गहरी हो, गोल हो, ऐसी औरतों से भूल कर भी संबंध मत बनाना, क्योंकि ऐसी औरतें कहीं पर भी किसी भी मर्द के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। और यह ध्यान देना कि यह इनसे कभी भी आपका विवाह ना होने पाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें। बाय बाय दोस्तों।